ये खबर और तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले वाले इस देश में कैसे एक मासूम सिर्फ 400 रुपए का इंजेक्शन नहीं होने की वजह से मारा गया, ये समझना बहुत जरूरी है। ये खौफनाक सच्चाई है आंध्र प्रदेश के खम्मम की, जहां अस्पताल की चौखट पर एक बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, लेकिन उसकी माँ, उसकी बहन और ये भीड़ आसपास खड़े होकर तमाशा देख रही है। तमाशबीन में वो डॉक्टर्स भी हैं जो इस बच्चे की जान बचा सकते हैं। सब लोग बेबस लाचार होकर इस बच्चे की मौत का तमाशा देख रहे हैं। 16 साल के इस बच्चे का नाम छेला बाबू है। बाबू को कोई भी बीमारी नहीं थी, इसे 1 मई को गली के कुत्ते ने काट लिया था। बाबू को 30 दिन पहले गली के कुत्ते ने काटा था। 1 मई से लेकर 30 मई तक ये बच्चा कुत्ते के काटने से जूझता रहा, यूं ही तड़पता रहा। और अब जो हम आपको बताएंगे, आप उससे चौंक जाएंगे कि 1 महीने तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं मिल पाया। बच्चे को रेबीज हो गई और इस बच्चे को एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया इलाज के लिए। किसी भी अस्पताल ने इस बच्चे का इलाज नहीं किया। कहीं भी बाबू का इलाज नहीं हो पाया और धीरे धीरे बाबू अपनी सांसें खोने लगा। अस्पतालों के पास रेबीज का इंजेक्शन मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन यहां ये बच्चा इंजेक्शन न मिलने की वजह से तड़प रहा है, सिसक रहा है। ये इंजेक्शन आमतौर पर 400 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अस्पताल इस इंजेक्शन को मंगवा भी नहीं पाया।